हेलो दोस्तों, नमस्ते, प्रणाम, सत श्री अकाल, केम छो और भोजपुरी में कहीं तो कैसन बानी रउआ सब है। आई होप कि आप सब अच्छे ही होंगे। तो स्वागत करती हूँ अपना यूट्यूब चैनल सुमन का किचन में। तो देखिए दोस्तों, आज मैं झिंगनी की सब्जी बनाने जा रही हूँ। तो झिंगनी को मैंने यहाँ पे काट लिया है और इसको अब धो के और अब मैं इसको इसमें रख ले रही हूँ। अब मैं इसमें बेसन डाल देती हूँ। अब मैं इसमें नमक थोड़ा सा ऐड कर दे रही हूँ और हल्दी और मसाला थोड़ा सा ऐड कर दे रही हूँ। तो देखिए दोस्तों, अब मैं इसको हल्के हाथों से मिला लूँगी और फिर इसको मैं तल लूँगी पकौड़ी की तरह। तो देखिए गाइस, मैंने कढ़ाई रख दिया गर्म होने के लिए। अब जब गर्म हो जाएगा तब इसमें मैं तेल ऐड करूँगी। तो देखिए गाइस, तेल कढ़ाई गर्म हो गया है, मैं इसमें तेल ऐड कर दे रही हूँ। शुद्ध सरसों का तेल है। तो देखिए गाइस, तेल मेरा गर्म हो गया, मैं इसमें पकौड़ी बना के डाल दे रही हूँ। छोटा छोटा आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं, छोटा बड़ा साइज। तो देखिए गाइस, हमें याद रहे कि हमें धीमी फ्लेम पे इसको तलना है, क्योंकि अगर तेज फ्लेम पे तलेंगे तो फिर पकौड़ी जल जाएगी। तो देखिए गाइस, कितना प्यारा और सुनहरा कलर होने लगा है। ऐसे ही हम हल्की आंच पे फ्राई करेंगे तो सुनहरा कलर हो जाएगा। तो देखिए गाइस, पकौड़ी मेरा हो गया है। अब मैं इसको निकाल देती हूँ। तो देखिए गाइस, मेरा पकौड़ी हो गया है। अब मैं इसको निकाल लेती हूँ। तो देखिए गाइस, मेरा तेल गर्म ही है। अब मैं इसी में प्याज ऐड कर दे रही हूँ और लहसुन भी ऐड कर दे रही हूँ और एक लाल मिर्च डाल दे रही हूँ। तो देखिए गाइस, इधर मेरा फोड़न हो रहा है, इधर पकौड़ी भी। आप इसे चाहें तो चटनी के साथ भी खा सकते हैं, सॉस के साथ भी खा सकते हैं और चाहे तो इसकी सब्जी भी बना सकते हैं। तो हम पकौड़ी में नहीं खा रहे हैं, इसे हम सब्जी ही बना के खाएंगे। और मसाले को मैंने पीसते हुए नहीं दिखाया था क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाता, तो इसीलिए मैंने इसमें हल्दी, धनिया, लहसुन, अदरक और प्याज, जीरा मिर्च और गरम मसाला पीस के एक ही में पेस्ट बना लिया। सारे को मैंने मसाला तैयार कर लिया है। अब मैं इसको फ्राई करूँगी। तो देखिए गाइस, मेरा फोड़न भी हो गया है। अब मैं इसमें मसाला ऐड कर देती हूँ। झिंगनी की सब्जी बहुत ही टेस्टी होती है। आप लोग भी अगर बना के ट्राई करिए, कोशिश करिए बना के खाने की। तो आइएगा, आपसे लोगों से थोड़ी सी बात भी कर लेती हूँ। जितने लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है उनका मैं तहे दिल से शुक्रिया करती हूँ। और जितने लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप लोगों भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन घंटी को भी प्रेस कर दें ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुँचे। और मेरे वीडियो को स्किप करके मत देखा करें, एंड तक देखें और जो चीज़ अच्छी लगे उसे भी बताएं और उसमें जो कमी रह जाए उसे कमेंट करके जरूर बताएं कि सुमन जी आप रेसिपी में एक कोई कमी रह गई है। तो देखिए गाइस, जब मैं इसमें नमक डाल देती हूँ, आप अपने स्वाद अनुसार कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो देखिए गाइस, जब मैं पानी डाल देती हूँ सब मसाला भून गया है तो, और मैं इसमें थोड़ा सा पानी और ऐड करूँगी। अब मैं इसको 5 मिनट के लिए ढक के छोड़ दूंगी, फिर एक उबाल आने के बाद मैं इसमें पकौड़ी ऐड करूंगी। तो देखिए गाइस, 5 मिनट हो गया है, मैं देखती हूँ हटा के थाली। अरे उबाल रहा। अब मैं इसमें पकौड़ी ऐड कर दे रही हूँ। अब मैं इसको 15 मिनट तक पकाऊंगी। तो देखिए गाइस, जब मेरी सब्जी हो गई है अब मैं इसको देखती हूँ। हाँ, 15 मिनट सब्जी भी मेरी हो गई है। अब मैं गैस की फ्लेम को बंद कर देती हूँ। अब मैं इसमें धनिया पत्ता ऐड कर दे रही हूँ। तो देखिए दोस्तों, ये रही मेरी आज झिंगनी की रेसिपी और मिलती हूँ एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखना और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। और हाँ, रेसिपी कैसी लगी एक बार कमेंट करके ज़रूर बताना। टेक केयर, लव यू ऑल गाइज, बाय बाय।